29 में पॉइंटलिज्म। पॉइंटलिज्म मतलब किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना, तो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डॉट। डिस्क्राइब अ टेक्निकल ऑफ न्यू इंप्रेशनलिज्म पेंटिंग इन विच हंड्रेड ऑफ स्मॉल डॉट्स आर डैशेज ऑफ प्योर कलर अप्लाई टू द कैनवास। मतलब ये डॉट के थ्रू पॉइंटलिज्म मतलब डॉट के थ्रू किसी भी चीज को पॉइंट किया जाता है। तो उसने ये देखे पिक्चर में इतने सारे डॉट्स को फॉलो करते हुए पूरी पिक्चर की नुमाइंदगी की है। तो मतलब पॉइंटलिज्म एक खास चीज को पॉइंट कर रहा है। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि वो एक चीज खास चीज की नुमाइंदगी कर रहा है। पॉइंटलिज्म कब ओरिजिनेटेड हुआ, कब इसका वजूद आया, 1859 से 91 तक। इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट थे, बिकस आर्ट्स इन पेरिस और कन्वेंशनल क्लासिकल पेंटर्स थे जिन्होंने डिफरेंट पॉइंट से हु आर द ग्रेटेस्ट पॉइंटलिस्ट पेंटर्स, मतलब कौन से बहुत बड़े पेंटर्स थे पॉइंटलिस्ट जिन्होंने डॉट के थ्रू अपनी पिक्चर या आर्ट को रिप्रेजेंट किया। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, उन्होंने फिर अपने नेम्स को ब्लीडर, हेनरी, मेडिसी, अल्बर्ट, अडोबियस, पिलट, तो ये डिफरेंट राइटर्स थे इन्होंने। उसके बाद एक्सप्रेशनिज्म क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव या और बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पिक्चर में जस्ट ये आपको फन आर्ट दिखाया जा रहा है तमाम पिक्चर्स में।